Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. Today is Sunday, so I thought ki main कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. बट जनरली क्या करते हैं, हम सिर्फ सीरियस चीज़ों पे ध्यान देते हैं, जो कि पढ़ाई हो गई, फिर जॉब हो गया, इंटर्नशिप हो गया. बट व्हाट अबाउट क्लासरूम, व्हाट अबाउट क्लासरूम नेटवर्किंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक बच्चे के लिए. क्लासरूम नेटवर्किंग अगर आप अच्छी कर पाओ तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, इट विल मेक यू अ बेटर पर्सन, यू नो, वो सारी चीज़ें आप इंजॉय कर पाते हो जो कि आपको कॉलेज लाइफ में करनी चाहिए. इसलिए ये टॉपिक को इग्नोर ना करते हुए, एंड अभी ऑफकोर्स ऑनलाइन हो रहा है, तो मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, कुछ चीज़ें जो आपको फॉलो करना चाहिए फॉर जूम क्लास नेटवर्किंग और कुछ चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए. एंड ऑफकोर्स यस, टू नो ऑल दिस थिंग्स कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा. बिकॉज अगर आप आधे में छोड़ दोगे तो आपको क्या नहीं करना चाहिए वो तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ट्रस्ट मी गाइज, कॉलेज के जो 3 साल होते हैं ना अंडर ग्रेड के, ये बेस्ट ईयर होते हैं आपके लाइफ के, क्योंकि आपका जो स्कूल लाइफ है ना बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है, आप बहुत इनोसेंट होते हो. बट जब तक आप यूजी में आते हो आप काफी ज्यादा स्मार्ट हो जाते हो, और अब आपका जो टीनेज है आपको बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस कराने वाला है, जो कि यू नो बोलते हैं अट्रैक्शन. देन आपका प्यूबर्टी एज है, आपको बहुत सारी फीलिंग्स आएंगी, और जो नेचुरल है, ठीक है, आपको इन सारी चीजों को साथ में लेके चलना. यू हैव टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग. आपको फर्स्ट साइड लव होगा, फिर यू नो हार्ट ब्रेक्स होंगे, तो ये 3 साल एक रोलर कोस्टर राइड होने वाला है. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट ऑनलाइन क्लास का बॉन्डिंग, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है. बहुत से बच्चों की क्लास शुरू हो गई है, डीयू वगैरह की होने वाली है, मुंबई यूनिवर्सिटी में 80% कॉलेजेस ने अपने क्लास शुरू कर दिए. सो अब बात करते हैं ऑनलाइन में, आप एक दूसरे से बात करना थोड़ा सा इजी होता है, राइट, बिकॉज चैटिंग करना हम सब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है. ऐसे 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 हमारी उंगलियां ना, मतलब पूरे कीपैड हमें याद है. तो अब आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा आपके क्लास का, और मुझे ये तो पता है कि 110% आप लोगों ने अब तक अनऑफिशियल ग्रुप बना दिया होगा. अब अनऑफिशियल ग्रुप बनाने के बाद भी आपने कुछ अलग ग्रुप्स बना लिए होंगे जो कि आपको लगेगा ओके दिस गाय इज वाइबिंग विद मी, दिस गर्ल इज वाइबिंग विद मी, ओके आप कौन से स्टेट से हो. तो अब ऑनलाइन जूम क्लास में क्या हो रहा है कि पहले तो आप कैंटीन में बोलते हैं ना गेट टुगेदर कर लेते थे, बट अभी ऑनलाइन में जैसे कि कोई बंदा दिल्ली से है, कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से, कोई केरला से, आप सब एक क्लास में बैठे हो, आप सबका बैकग्राउंड और कल्चर बहुत अलग है. तो यहाँ पे चैलेंज आती है कि एक दूसरे में मिसअंडरस्टैंडिंग होना बहुत ईजी हो जाता है. तो वो अवॉइड करने के लिए पहले तो आप एक दूसरे को समझें, मतलब कि आपकी जो लिंगो होती है वो बहुत अलग होती है हर स्टेट की, हर स्टेट का स्कूलिंग भी बहुत अलग होता है. सो ये कंफर्टेबल होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा. अनऑफिशियल ग्रुप जो आपने बनाया होगा गाइस, जस्ट ओवर स्मार्ट एक्ट करने के लिए प्लीज किसी को भी क्रिटिसाइज मत करें, किसी को साइडलाइन ना करें, और कोई टीचर या कोई मैनेजमेंट के खिलाफ ऐसा कुछ मत लिखो कि कोई स्क्रीनशॉट लेके आपके टीचर को बता दे, आपके मैनेजमेंट को बता दे. क्योंकि अगर 60 लोग हैं, 120 लोग हैं, कोई भी आपका दुश्मन हो सकता है, आप नहीं जानते हो. अब दुश्मन का मतलब आई एम नॉट सेइंग द मतलब एक्चुअल दुश्मन, बट ऐसा हुआ है कि मतलब एक बच्चे ने जस्ट टू एक्ट स्मार्ट किसी टीचर को अब्यूजिव वर्ड लिख दिया, दैट कॉलेज रेस्टिगेटेड दैट स्टूडेंट. बिकॉज कोई होगा, किसी ने जाके टीचर के साथ और मैनेजमेंट के साथ वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया. तो प्लीज अवॉइड, क्योंकि ये सही भी नहीं है कि आप पब्लिक फोरम पे किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो. प्लीज ऐसी कोई लैंग्वेज मत यूज करें जो आपको प्रॉब्लम में डाल सके. तो अनऑफिशियल ग्रुप बॉन्डिंग के लिए अच्छा है, बट डू नॉट शेयर एनीथिंग विच विल पुट यू इन ट्रबल. डू नॉट रश टू जस्ट मैसेज हे हाउ आर यू एंड ऑल दैट, आई एम योर क्लासमेट. इतना घाई मत करो, करो आराम से. एक बार जब आपका वो इक्वेशन बिल्डअप हो जाए, बिकॉज देखो ऑनलाइन ऐसी चीज है कि फिल्टर और बोलते हैं ना कि जो ऑनलाइन जैसे दिख रहा है वैसी चीजें होती नहीं है. तो वेट फॉर योर क्लास टू स्टार्ट प्रॉपरली, थोड़ा एक महीना चीज़ों को टाइम दो. आपको ऑलरेडी क्लास में समझ जाएगा कौन कैसा है, किसका बिहेवियर क्या है. सो इफ़ यू टेक सम टाइम, 2-3 हफ्ते लो, उसके बाद अपने पर्सनल यू नो मैसेजेस भेजो, सो दैट देर इज़ अ कम्फर्ट. क्या होगा कि किसी को ऐसा नहीं लगेगा यार वाई ही इज ट्राइंग टू जस्ट रीच आउट टू मी, वॉट इज द नीड, अनलेस एंड अंटिल कुछ कॉमन ना हो. जैसे कि कोई लोग ऐसे बना लेते हैं कि ग्रुप ऑफ फोटोग्राफर्स, ग्रुप ऑफ राइटर्स, ग्रुप ऑफ डांसर्स, और यू नो अगर एक कॉलेज में 2-4 लोग राजस्थान के हैं, 2-4 लोग मध्य प्रदेश के हैं, तो वैसा आप ग्रुप बना सकते हो. बट यस, डू नॉट रश इन टू, टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड ईच अदर, एंड देन फिर आप अपनी फ्रेंडशिप तो बोलते हैं ना नेचुरली कोई चीज़ें बन जाती है. बट ऐसा कोई वर्ड यूज ना करे, ऐसा कोई यू नो जबरदस्ती वाला मैसेज ना करे पर्सनली जाके लड़का लड़की को या लड़की लड़के को. क्या होता है, ये अट्रैक्शन तो होता है, विच इज ऑब्वियस और होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए.
तो अट्रैक्शन में ऐसे नहीं कि पहले आप वन लाइनर मार रहे हो, चीजी सी लाइन ऐसा मत मारो, बिकॉज दैट्स लिटिल क्रीपी. सो थोड़ी फ्रेंडशिप हो जाए, उसके बाद आप अपना कम्फर्ट जोन के हिसाब से एक दूसरे से बात करो. लेट मी टॉक अबाउट, यू नो, एक होता है ना इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट. आप सभी को एक चीज ध्यान देना है गाइस, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लास हो, मैं ये चीज बोलूंगी कि रिस्पेक्ट ईच अदर. जब भी क्लास में कुछ चीज चल रही हो ना, कुछ बच्चे बहुत बोलते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते हैं, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कोई कैटेगरी में ना डाल दे पूरी क्लास के, अरे यार ये तो हमेशा बोलता रहता है तो आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा. और ऐसे भी मत हो जाओ कि यार ये तो कुछ बोलता ही नहीं, आपको कोई अपने प्रोजेक्ट ग्रुप में नहीं लेगा, बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं कर पाओगे दूसरे बच्चों में कि दैट यू नो समथिंग. तो इट शुड बी बैलेंस. मतलब आपको अगर लगता है कि आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, टीचर्स ने कोई क्वेश्चन पूछा, तो यू नो कॉन्ट्रीब्यूट, मेक इट वैल्यूएबल. आप थोड़ा बोलो बट टू द पॉइंट बोलो. एकदम भी ज्यादा बोलने से यू नो देन यू आर बीन लाइक यार इसको ही बोलना है, हमेशा यही बोलता रहता है. सो वो दोनों ही कैटेगरी थोड़ी सी डेंजरस है. नाउ आई एम सेइंग ऑल दिस एंड शेयरिंग विद यू बिकॉज एज आई सेड, ये जो 3 साल में आप जो भी एक्टिविटी क्लास में करोगे वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा ऑन यू एज अ पर्सन. जैसे आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, कि आप क्लास के सामने जब प्रेजेंटेशन दोगे किस तरीके से दोगे, जब आप क्लास में इंटरैक्ट करोगे, तो यू नो अबाउट योर लैंग्वेज, अबाउट योर पर्सनैलिटी, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं. नाउ विद इन 1 month कॉलेज फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो प्लीज डू पार्टिसिपेट. आप अपने कॉलेज के जो एक्टिविटीज हैं उसमें थोड़ा घुल मिल जाओ. ऑनलाइन ही होगा तो कैसे है कि एटलीस्ट आप एक्टिविटी करते रहोगे तो वो कोऑर्डिनेशन वर्क होता रहेगा, आप एक दूसरे को ज्यादा समझ पाओगे. और ये नेटवर्किंग करने से क्या होता है, आप एक दूसरे की स्किल शेयर कर सकते हो, आप कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करना है तो एक साथ कर सकते हो, आप इंफॉर्मेशन, बुक्स, मूवीज, काफी सारे यू नो कॉमन इंटरेस्ट एक दूसरे से शेयर कर सकते हो. इसलिए आपका क्लास एटमोसफियर बहुत मैटर करता है, बिकॉज कि आपको 3 साल वहां पे निकालना है. अगर आप वो क्लास में कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, दो चीजें फील होती है, एक तो आपको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है जहां पे आप लेफ्ट आउट फील करते हो और इतना एंजॉय नहीं कर पाते, और दूसरी फीलिंग आती है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की, मैं तो बेस्ट हूँ बाकी सब जो है ना वो गधे हैं मेरी क्लास में. ये दोनों ही फीलिंग डेंजरस है, बिकॉज ये आपको ग्रोइंग एटमोसफियर नहीं देगा. आपको सबके साथ मिलके चलना है, सबसे चीजें शेयर करनी है. कहीं पे भी ये फीलिंग आया यार इसको कुछ तो मतलब इसको कुछ भी नहीं आता, बट आप ये याद रखें हर इंडिविजुअल को कुछ ना कुछ जरूर आता है. एंड एवरी इंडिविजुअल, ईच वन ऑफ योर क्लासमेट विल हैव सम अदर थिंग टू टीच यू. तो उनसे शेयर करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, और टीचर्स को भी रिस्पेक्ट दें. अगर आपको लगता है कोई टीचर सही से नहीं कुछ चीज करा रही है, तो उन्हें कन्फेस करें कि मैम दिस इज व्हाट यू नो इज नॉट हैपनिंग राइट, प्लीज कैन यू डू इट इन दिस वे. आप उन्हें रिक्वेस्ट करें, क्लास में सबके सामने नहीं तो आप उन्हें पर्सनली भी ये चीजें बोल सकते हैं. सो इट इज इन योर हैंड कि यू नो अगर आप कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग कॉलेज में अच्छा कर पाए, आगे चल के आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आप बहुत अच्छी तरीके से नेटवर्किंग कर पाओगे. एंड डेफिनेटली आई एम हियर टू टेल यू यू नो हाउ टू मेक योर प्रोफेशनल नेटवर्क, चाहे वो BMS हो, BBI हो, BAF हो, BMM, मीडिया में कैसे नेटवर्क बनाना है, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगी. बट अभी आपका कॉलेज लाइफ शुरू हो रहा है, तो आपके लिए कॉलेज में नेटवर्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इस पे ध्यान दें, बिकॉज आपकी सोशल लाइफ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितनी की प्रोफेशनल लाइफ. आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो. संडे था तो सोचा थोड़ा ज्ञान दे दूं कि विच विल हेल्प यू, बिकॉज हम जैसे मैंने इनिशियली कहा कि हम ये सारी चीजें इग्नोर करते हैं, बट आपके इमोशनल और मेंटल वेलबींग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लॉट ऑफ सच अमेजिंग वीडियोज ऑन मीडिया मेंटर. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.